बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तिं वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आज हम आप सभी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे ऋषिवर, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा हम आपके श्री मुखारविंद से सुनने की इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, देवर्षि योगीराज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां आकर के उन्हें अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख करके नारद जी विचार करने लगे, कौन सा प्रयत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो। इस विचार का मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वर माला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर के श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बसा हुआ है, क्या बात है, आप किस काम से यहां पर पधारे हैं उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा करके बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए परोपकार की इच्छा से तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जिसके करने से मनुष्य मोह से दुख से छूट जाता है, वह मैं तुमको सुनाता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य को देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें सुनाता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी प्रकार विधि विधान से करके मनुष्य तुरंत ही मृत्यु लोक में सुखों को भोग करके
मृत्यु के बाद मोक्ष पद को प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर के नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया है, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। नारद जी की बात को सुनकर के श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मण व बांधवों के साथ करनी चाहिए। यदि आप चाहें तो प्रातः काल में भी भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन कर सकते हैं। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाय आले, गेहूं के आटे के स्थान पर साठी या आटा, शकर तथा गुड़ लेकर के सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिला करके भगवान सत्यनारायण को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। जो कोई मनुष्य इस उपाय को करता है, निश्चय ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा या महा प्रथम पुष्प श्री कृष्णार्पणमस्तु। यहां पर कथा का प्रथम अध्याय समापन होता है। अब कथा का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। श्री सूजी महाराज बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण निवास करता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर निरंतर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र देवता, नित्य दुखी होकर के तुम पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? दीन दुखी ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूं और भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम विधि विधान से उनका पूजन तथा व्रत करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण बनकर के आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन विचार करने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बताया है उसे मैं अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकल गया। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उस धन से उसने समस्त पूजन सामग्री एकत्रित की तथा बंधु बांधवों के साथ में मिलकर के विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन संपन्न किया। सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, उसकी गरीबी दूर हो गई। उसी समय से वह ब्राह्मण प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन को करने लगा। वह सभी प्रकार के पूजन कार्यों को प्रति माह संपन्न किया करता था तथा इस व्रत के पूजन के प्रभाव से इस संसार में उसने बहुत सारे सुखों को भोगा और समस्त पापों से छूट करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूजी महाराज बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुन करके और किस किस ने इस व्रत को किया, इस पूजन को किया, हम सब आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूजी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वही ब्राह्मण अपने धन के ऐश्वर्य के अनुसार विस्तार पूर्वक
बंधु बांधो के सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा बूढ़ा आदमी वहां पर आया और लकड़ियां बाहर रख करके अंदर ब्राह्मण देवता के घर में गया। भूख और प्यास से दुखी होकर के वह लकड़हारा उनको व्रत तथा पूजन करते हुए देख करके नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होगी, कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र देवता से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वह लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। प्रसाद चरणामृत खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प कर लिया, विचार कर लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे प्राप्त होगा उसी धन के माध्यम से मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। मन में संकल्प को विचार को लेकर के बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों का बोझा रख करके नगर में लकड़ियां बेचने के लिए निकल गया। धनी लोग वहां पर ज्यादा निवास करते थे, उस नगर में उसे लकड़ियों का दोगुना चौगुना मूल्य प्राप्त हुआ। वह लकड़हारा बड़ी प्रसन्नता से धन लेकर के केले शकर घी दूध दही और गेहूं का आटा और समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर के अपने घर को प्रस्थान किया। वहां उसने बंधु बांधुओं को बुला करके विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन एवं व्रत किया। इस व्रत एवं पूजन के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर के संसार के सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा या महा द्वितीय पुष्प श्री कृष्णार्पणमस्तु। यहां पर भगवान सत्यनारायण की दूसरे अध्याय की कथा का समापन होता है। अब हम आपको कथा का तीसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी महाराज बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा को मैं कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता था और जितेंद्री था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और ब्राह्मण देवताओं को दान दक्षिणा दिया करता था। गरीबों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सुंदर सती साध्वी थी। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी भद्रशिला नदी के किनारे पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक बनिया वहां पर आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख करके वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर के आप यह क्या कर रहे हैं, किनका पूजन कर रहे हैं, मैं आपसे सुनने की इच्छा रखता हूं, कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोले कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन को सुनकर के साधु बड़े आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधि विधान आप सुनाइए। आपके कथनानुसार मैं भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को अवश्य ही करूंगा, क्योंकि मेरे घर कोई भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के वह अपने घर को गया। साधु वेश्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह करके सुनाया और कहा कि जब हमारे यहां संतान की प्राप्ति होगी तब हम इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। साधु ने इस प्रकार अपनी पत्नी से लीलावती से यह वचन कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। ठीक 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया
कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु वैश्य बोला कि हे प्रिय, सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को हम अपनी कन्या के विवाह के समय करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह तो नगर को चला गया। कलावती कन्या पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई, बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को अपनी सखियों के साथ देखा। तुरंत ही दूतों को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य सुंदर वर की खोज करो। साधु की बात सुनकर के दूत कांचनपुर नामक नगर में पहुंचे और वहां देखभाल करके लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र को, एक सुंदर लड़के को लेकर के आए। उस लड़के को देख करके बंधु बांधवों को बुलाया और साधु ने अपनी कन्या का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उस साधु को श्राप दे दिया कि अत्यधिक दारुण कठिन दुख तुम्हें प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर के समुद्र के पास स्थित होकर के रत्न सागरपुर नगर में जाकर के व्यापार करने लगा। दोनों ससुर जमाई वह मिलकर के चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से दो चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहे थे। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा और चुराया हुआ धन जहां ससुर जमाई ठहरे थे वहां पर डाल दिया और अंधेरे में अदृश्य हो गया। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांध करके प्रसन्नता से राजा के पास ले आए और कहा कि हम इन दोनों चोरों को पकड़ करके लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे। राजा ने आज्ञा दी कि दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया जाए और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया जाए। भगवान सत्यनारायण के श्राप के प्रभाव से साधु की पत्नी बहुत दुखी हो गई। घर में जो भी धन था उसे चोर चुरा ले गए। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूख प्यास अति दुख, अन्न की चिंता में कलावती कन्या ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को, पूजन को देखा और कथा सुनी तथा प्रसाद प्राप्त करके देर रात को घर वापस आई। माता के कलावती कन्या से पूछा कि तुम कहां गई थी, तेरे मन में क्या बसा हुआ है। कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को, पूजन को होते हुए देखा है। कन्या के वचन को सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पतिदेव तथा जमाई राजा शीघ्र घर को आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में आकर के कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य कैदियों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन छीना है उसे वापिस लौटा दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कह करके स्वप्नवाणी अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न की बात सबको सुनाई और उन दोनों वेश्य कैदियों को सभा से मुक्त करवा दिया गया। दोनों को हजामत करवाई गई, सुंदर वस्त्र धारण करवाए गए और बहुत सा धन देकर के वहां से ससम्मान उनको विदा करते हैं। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। मधुर वचन में राजा ने बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ था, लेकिन अब तुम्हें कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उसको दोगुना करके वापस दे करके ससम्मान उन दोनों वैश्य कैदियों को वहां से विदा कर दिया गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां मां तृतीयो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। यहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा का तीसरा अध्याय परिपूर्ण होता है। अब हम आपको चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी महाराज बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा को आरंभ की
और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? अहंकार वश वह बनिया बोला, आप क्यों पूछते हो? कुछ धन लेने की इच्छा है क्या? लेकिन मेरी नाव में तो पत्ते ही पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन को सुनकर के भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी स्वामी के ऐसे वचन को सुनकर के दंडी स्वामी तो वहां से कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए और उसके बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया करके नाव को ऊंची और हल्की देखा। खोल करके देखा तो उसमें धन के स्थान पर पत्ते ही पत्ते भरे हुए। साधु नामक बनिया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में वह डूब गया। तब उसका दामाद बोला, पिताजी आप शोक न मनाएं, यह दंडी स्वामी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुनकर के वह दंडी स्वामी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन झूठे वचन कहे थे उनके लिए मुझे आप क्षमा करें। ऐसा कह करके महान शोकातुर होकर के वह रुदन करने लगा, रोने लगा। तब दंडी स्वामी बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गए हो। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप और गुण को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे आपको जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा तथा पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन को भर दो। साधु वेश्य के भक्तिपूर्वक वचन को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर सवार हुए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर समीप आया तो दूत को घर सूचना देने के लिए भेजा गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ चुके हैं। दूत की बात को सुनकर के साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूं, तुम भी पूजन कार्य शीघ्र ही पूर्ण करके चली आना। माता के ऐसे वचन को सुनकर के कलावती जल्दी में प्रसाद को परित्याग करके छोड़ करके अपने पतिदेव के दर्शन करने के लिए चली आई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण, अपमान के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर के रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख करके, कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी होकर के बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे आप क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर के आकाशवाणी हुई कि हे साधो, तेरी कन्या हमारा प्रसाद छोड़कर के चली आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि कन्या घर जाकर के पुनः प्रसाद खाकर के लौटेगी तो इसका पति इसे अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के कलावती कन्या तत्काल घर जाकर के प्रसाद पाती है, फिर आकर के अपने पतिदेव के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह स्वर्ग लोक को चला जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को वह अपने घर जाकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन नियमित रूप से करने लगा। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण भक्तथायां मह चतुर्थ पुष्प श्री कृष्णार्पणमस्तु। यहां पर सत्यनारायण भगवान की चौथे अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम आपको सत्यनारायण व्रत कथा का पांचवा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। सूजी महाराज बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में तत्पर एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख को प्राप्त किया था। एक समय की बात है, राजा वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके शिकार करके एक वट वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम करने लगा। वहां उसने देखा कि सामने कुछ ग्वाल वाले भक्तिभाव से
अपने बंधु बांधो के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा अहंकार वश अभिमान वश उनके पास गया भी नहीं और उसने प्रणाम भी नहीं किया तथा राजा वहां पर विश्राम कर रहा था। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ करके अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां उसका सब कुछ तहस नहस नष्ट हो गया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के द्वारा ही किया गया है। वह दोबारा ग्वाल बालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद को प्राप्त किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा उसे प्राप्त हो गया। धन पुत्र सब कुछ उसे मिला। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद अंतिम समय में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी को प्राप्त हो जाएगा और भय मुक्त होकर के जीवन व्यतीत करेगा। संतानहीन मनुष्य को संतान की प्राप्ति होगी। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सूत जी महाराज बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद राज बनकर के प्रभु श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ लोक को चले गए। साधु नामक वैश्य ने मोरध्वज बनकर के अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त होकर के कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथा या महा पंचमो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार यहाँ पर सत्यनारायण भगवान के पांचवे अध्याय की कथा संपन्न होती है। अच्युतम केशवम दामिनारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति 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 दायकम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब हम सभी मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण की आरती का गायन करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटाध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जी न पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी सोफल भोग्यो प्रभु जी सोफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में
भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण स्वामी सत्य नारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों माताओं बहनों यदि आप सत्यनारायण कथा के निमित्त या पूर्णिमा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं अन्नदान वस्त्रदान गोदान या पूर्णिमा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सत्यनारायण कथा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण सादर धन्यवाद।